नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनवित शिक्षा पर। आज हम आप और अनवित शिक्षा मिलकर करने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी का प्रैक्टिस पेपर। ये प्रैक्टिस पेपर आपके लिए DOE ने जारी किया है, तो ये आपके लिए एक सैम्पल पेपर की तरह से काम करेगा। क्या सामान्य निर्देश रहेंगे आपके लिए, कितने खंड होंगे, कितने प्रश्न आएंगे, आपको कितने करने हैं, ये सब जानकारी आपको इस पेपर से आसानी से मिल जाएगी। साथ ही साथ इस पेपर से आप अपनी तैयारी को भी जांच सकेंगे कि आपका जो होने वाला एग्ज़ाम है हिंदी भाषा का, वो उसकी आपकी कितनी तैयारी है, किन चैप्टर्स पर आपको और मेहनत करनी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसे शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले सामान्य निर्देश यानी जनरल इंस्ट्रक्शंस। इस प्रश्न पत्र में तीन खंड हैं, तीन खंड हो गए ही, क, ख और ग। क में आपका अपठित गद्यांश है, कुल 36 प्रश्न हैं और आपको कोई 18 करने हैं। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कितने प्रश्न हैं और आपको कितने करने हैं, 36 में से 18। खंड ख में 5 प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इसी तरह से खंड ग में आपके तीन अलग अलग भाग हैं, इन्हें आप देख लेंगे कौन से खंड में आपको कितने प्रश्न करने हैं। इसके अलावा आप सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। चलिए, अब हम चलते हैं अपने अपठित गद्यांश पर। आज तो गला ही नहीं काम कर रहा। खंड के आपका पहला प्रश्न, नीचे एक गद्यांश है। दोस्तों, मैं ये पूरा गद्यांश आपके लिए नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि अगर मैं शब्द एक एक चीज़ आपके लिए पढ़ूंगी शब्दशः, तो हमारा वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। आप इसे स्क्रीन पर है ये गद्यांश, आप इसे खुद पढ़ते चले मेरे साथ, और जब इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो आप उनका उत्तर भी अपने मन में सोच कर रखें। अगर आपने ये गद्यांश पूरा पढ़ लिया है तो आप इसके भावार्थ को समझेंगे। इसका जो भावार्थ या जो सबसे अच्छा शीर्षक है, कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, यानी कि ये पूरा जो गद्यांश है, इसका जो उद्देश्य है, जो संदेश है हमारे लिए, वो ये है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अब हम इसके प्रश्नों पर चलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि पहला प्रश्न पढ़ने के बाद आपको उसका उत्तर गद्यांश से ढूंढने की ज़रूरत है, तो आप वीडियो को बैक करके पहले आप प्रश्न को पढ़ लें, फिर आप वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाएं और गद्यांश को दोबारा पढ़ें, फिर आप उसका उत्तर स्वयं अपने मन में सोचें। और बाकी सही उत्तर तो मैं आपको बता ही दूंगी, फिर आप चेक करें कि क्या आपने जो सोचा है वो आंसर सही था। पहला प्रश्न, इसका सही आंसर है घ, यानी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निराशा को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। आपने अगर गद्यांश को पढ़ा है तो इसका उत्तर भी आप बड़ी आसानी से दे पाएंगे। इसका सही आंसर है घ। क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश में वर्णित पौराणिक घटना कहाँ से ली गई है। ये भी आप समझेंगे कि इसमें किसका वर्णन है, आपने गद्यांश पढ़ा तो बहुत ही आसान है इस प्रश्न का उत्तर। सही उत्तर है ग, रामायण से। प्रश्न नंबर 4 पर चलेंगे।
निराश व्यक्ति का मनोबल कब बढ़ता है? गद्यांश पढ़कर आप खुद अपना आंसर निकालने की कोशिश करें, बाकी सही आंसर मैं तो आपको बता ही रही हूँ। निराश व्यक्ति का मनोबल कब बढ़ता है? प्रेरित होकर, यानी सही उत्तर है का। हमारे जीवन के शब्दकोश में कैसे शब्द नहीं होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 आपका, तो इसका सही उत्तर है ख, हताशा, निराशा और असफलता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? विलोम शब्द तो आप कर ही लेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी आएगी। सही आंसर है घ, यानी कि जीवन और जन्म दोनों चीज़ें लगभग समान सी हैं, दोनों विपरीत नहीं एक दूसरे की। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 7, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, इसमें आपका जो प्रत्यय है वो है इत प्रत्यय, यानी कि आपका सही उत्तर है ग। निम्नलिखित शब्दों में संयुक्त अक्षर नहीं है, कौन से शब्द में संयुक्त अक्षर नहीं है? इसमें आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा घ, मनोबल में कोई भी संयुक्त अक्षर नहीं है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 9, नकारात्मक विचार आने पर व्यक्ति को कौन सा मार्ग दिखाई देता है? कौन सा मार्ग दिखाई देता है ये हम सभी जानते हैं। कई बार हम जब जीवन में निराश हताश हो जाते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, जो कि एक बहुत ही गलत विचार है। गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए, इसमें आपका सही उत्तर आ जाएगा ख, आत्मविश्वास का बल। आप अपने अंदर आत्मविश्वास रखें, कभी भी हार ना मानें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगले गद्यांश पर चलेंगे, आप ये ज़रूर ध्यान रखें बच्चों कि दोनों गद्यांश में से आपको कोई एक ही करना है। जब आपके हाथ में पेपर आए तो आप थोड़ा सा टाइम देकर दोनों गद्यांश पर एक बार नज़र मार लें, जो आपको आसान लगे आप उसी गद्यांश को करने की कोशिश करें, दोनों में से कोई एक। अक्सर आप गलती करते हैं कि आप दोनों गद्यांशों को कर देते हैं, और ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप जिस भी गद्यांश का उत्तर दे रहे हैं, मान लीजिए आप दूसरे वाले गद्यांश का उत्तर दे रहे हैं जो आपके ऑप्शन में है, तो आप अपनी OMR शीट पर सर्कल भी सही डार्क करें, यानी कि इसके जो क्वेश्चन है वो 11 से शुरू होंगे तो आप 11 पर ही डार्क सर्कल करें, एक से ना करें। तो चलिए, ये वाला गद्यांश भी आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ना शुरू कीजिए। ये आपका गद्यांश दिवाली और प्रदूषण पर आधारित है, बेसिकली प्रदूषण पर आधारित है। तो ये था आपका एक पैराग्राफ, एक गद्यांश जो दिवाली में जो हम पटाखे चलाते हैं उसके दुष्प्रभावों पर आधारित था, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे ऊपर होते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, दोस्तों आप बिल्कुल भी इस भरोसे ना रहें कि मैं आपको सही आंसर बताऊंगी, आप क्वेश्चन नंबर 11 अपना पढ़ें, इसके बाद अगर आपको आंसर में थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को बैक करें, पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें और फिर खुद अपने मन में अपना आंसर सेट करें, और उसके बाद जो आंसर मैं आपको बताऊंगी आप उससे मैच करें कि क्या आपने सही आंसर सोचा था, क्या आपका उत्तर सही था। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, दिवाली से संबंधित चर्चाओं में कौन सा मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहता है?
तो इसका सही आंसर है ग, पटाखों के दुष्प्रभावों का। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। आतिशबाजी का पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है? मैं आपके लिए ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगी, ऑप्शंस आप लोग खुद पढ़ें, आप सभी की स्क्रीन पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आतिशबाजी का पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर है आपका ग, पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। हार्मोनल असंतुलन, क्वेश्चन नंबर 13, हार्मोनल असंतुलन पैदा करने वाले विषैले तत्व हैं, ये आपने ऊपर पढ़ाई है, कॉपर और लिथियम, यानी कि आपका उत्तर क सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एंटीमोनी सल्फाइड और एल्युमिनियम जैसे तत्व किस रोग का कारण बनते हैं? तो इसका आपका सही उत्तर है ख, ये आपका ध्यान से आसानी से पढ़ के निकालेंगे, अल्जाइमर। क्वेश्चन नंबर 15, पशु पक्षियों के लिए दिवाली कैसा समय होता है? तो ये उनके लिए बहुत डर से भरा हुआ होता है, जैसा कि आपका गद्यांश भी आपको बताता है, ये हमारे लिए बहुत हर्षोल्लास का त्यौहार हो सकता है, लेकिन पशु पक्षियों के लिए ये वाकई बहुत डर से भरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। मैं स्क्रीन छोटा कर लेती हूँ ताकि पूरा प्रश्न आप एक साथ देख पाएँ। मजे लेने के लिए कुछ लोग जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उनकी पूंछ में पटाखे जलाकर वो बांध देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद निम्न में से है? पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो ये शब्द है परिजमा आवरण। पशु पक्षी में कौन सा समास है, ये सब आप पढ़ चुके हैं अपनी पिछली कक्षाओं में, तो ये है आपका द्वंद समास। क्वेश्चन नंबर 19, विलोम शब्दों के युग्मों में गलत युग्म का चयन करें। आप पढ़ें सारे ऑप्शंस को और देखें कि आपको इनमें से कौन सा गलत लग रहा है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। तो इसमें जब आप पाएंगे तो आप पाएंगे कि इसका अ ऑप्शन सही है, नकारात्मक और अकारात्मक दोनों गलत युग्म हैं, गलत शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उपरोक्त गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। तो आपको जो भी शीर्षक उपयुक्त लग रहा है इसमें, इन सारे ऑप्शंस में जो सही उत्तर है वो है आतिशबाजी के दुष्प्रभाव, अपठित काव्यांश। आपको दो गद्यांश दिए हुए हैं, कोई एक करना है, इसी तरह से दो काव्यांश आपके लिए दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, ध्यान काव्यांश पढ़ें आप। तिनका तिनका लाकर चिड़िया, रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सर्जन का आकाश नया, मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पहुंचता बहते आंसू जी भर एक रुलाएगा, रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया, कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आस बिछाते हैं राहों में फिर खुद भी जल जाते हैं, जो होते हैं खुद मिटाने वाले वे रचते इतिहास नया, मंत्रनाश का पढ़ा करें कुछ द्वार द्वार पर जा करके, फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। बहुत ही बढ़िया आपका काव्यांश दिया हुआ है, तो अब हम जल्दी से इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चिड़िया अपने आवास का निर्माण किस प्रकार करती है? इसमें तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका सही उत्तर है तिनका तिनका जोड़कर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सर्जन का आकाश नया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस आप जल्दी से स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, मैं बता देती हूँ, सही उत्तर है नवनिर्माण करना। 23, दुखियों के आंसू कौन पोंछता है? इसका सही उत्तर है ग, यानी कि मानव। 24 पर चलेंगे, दानव किस प्रकार के कार्य करने वाले को कहा गया है? इसका ग उत्तर सही है, दूसरों को जी भर रुलाने वाले को यहाँ दानव कहा गया है आपके काव्यांश में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 25, जीवन में नया विश्वास किस प्रकार आता है? काव्यांश आपका बहुत अच्छा संदेश हमें दे रहा है, नया विश्वास कैसे आता है? रचनात्मक कार्य करने से, यानी कि आपका ग ऑप्शन सही है। नाश का मंत्र पढ़ने से क्या तात्पर्य है? नाश का मंत्र पढ़ने से तात्पर्य है दूसरों का अहित करना, यानी कि ग। फूल खिलाने का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? तो ये है आपका ख, प्रत्येक व्यक्ति तक खुशियाँ पहुँचाना। अगले प्रश्न पर चलेंगे।
28 काव्यांश के आधार पर बताइए अत्याचार करने वालों का क्या अंत होता है। तो इसका सही उत्तर है आपका ख, एक दिन वो खुद भी नष्ट हो जाता है। अब आपका अगला काव्यांश, जैसा कि मैंने कहा दोनों में से आपको कोई एक ही करना है, तो आप दोनों आपके पेपर में जो काव्यांश आएंगे आप दोनों काव्यांश पर एक बार नज़र मारें, जो आपको थोड़ा भी आसान लगे आप उसी को हल करें और OMR शीट में नंबर ज़रूर ध्यान से भरें। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, कितना बढ़िया पैराग्राफ है आपके बचपन के ऊपर, बचपन किसको अच्छा नहीं लगता। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, रोना और मचल जाना ये माला पहनाते थे, मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी, माओ कहकर बुला रही थी मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुख में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, मैंने पूछा ये क्या लाई बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ। कितना प्यारा पैराग्राफ है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम जल्दी से इसके प्रश्न देख लेते हैं। कवित्री को बार बार बचपन की याद क्यों आती है। स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन हमें एक साथ दिख सके। कवित्री को बार बार बचपन की याद क्यों आती है, इसका आपका जो सही आंसर है वो चला जाएगा ख, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो सारे ही ऑप्शन सही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 30, नंदनवन का प्रयोग किसके लिए किया गया है। नंदनवन का प्रयोग आपके काव्यांश में किसके लिए किया गया है, इसमें आपका सही उत्तर है का अपने घर के लिए। अगला प्रश्न, बचपन की कौन सी बात भूली नहीं जा सकती, बचपन की कौन सी बात हम नहीं भूल सकते हैं। इसका सही आंसर है आपका ख, यानी कि उपरोक्त सभी, इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम बताइए। उपमा अलंकार। आप दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, मैं आपको ये एक ट्रिक बताती हूँ उपमा अलंकार की, जहाँ पे भी आपको से सा सी मोती सी चंद्रमा सी चांद सी सा सी से जैसे शब्द आएंगे वो आपका हमेशा ही वहाँ उपमा अलंकार होता है, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। इसमें आ रहा है मोती से, यानी कि मोती से तुलना की गई है, तो ये आपका उपमा अलंकार है। 33 पे चलेंगे, कवित्री की बेटी हाथ में क्या लेकर आई थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। 34, काव्यांश में निहित रस कौन सा है। तो बच्चे ये रस है आपका वात्सल्य रस, जहाँ पर भी बचपन की बात की जाती है वहाँ हमेशा ही वात्सल्य रस होता है, जहाँ बचपन की बच्चों से प्रेम की प्यार की माता पिता के प्रेम की बात आती है वहाँ हमेशा वात्सल्य रस होता है। 35 पे चलेंगे, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द छांटिए, तत्सम आपको बताना है, तो इसमें आपका आ जाएगा ख निर्भय। कवित्री किसको बुला रही थी, प्रश्न नंबर 36, तो वो किसको बुला रही थी, अपने बचपन को। जब आपका काव्यांश स्टार्ट हुआ तो आप उसमें देखेंगे कि वो अपने बचपन को याद कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 37, ये आ गया आपका अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न, और आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम में आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे हम चलते हैं, पत्रकारिता के मूल में कौन सा भाव विद्यमान रहता है। पत्रकारिता के मूल में कौन सा भाव है, जिज्ञासा का, राइट आंसर इज जिज्ञासा। 38 पर चलेंगे, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत किस समाचार पत्र से हुई थी। तो इसका आंसर है आपका बंगाल गजट, आप ये याद कर लें प्रश्न अच्छी तरह से। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये मैं करा भी चुकी हूँ आपको तीनों प्रश्न। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, मीडिया को। 39 का आपका हो गया गे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक था। एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक क्या था, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, राइट, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल।
क्वेश्चन नंबर 41 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाचार लेखन का नहीं है? आप जब भी इस तरह के प्रश्न करें तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको नहीं बताना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी में क्वेश्चन को आधा कोना पढ़ते हैं और नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, तो आप इसमें ध्यान रखें कि कौन सा तत्व समाचार लेखन का नहीं है, आपको नहीं का जवाब देना है। तो इसका सही आंसर है आपका ख, क्योंकि समाचार में कल्पनाओं से कोई काम नहीं होता। समाचार आपका रियलिटी पर चलता है, वास्तविकता पर चलता है, कल्पनाओं पर नहीं चलता। खंड गया आ गया है आपका पाठ्यपुस्तक और अनुपूरक पाठ्यपुस्तक पर आधारित। इसमें जो प्रश्न आएंगे वो आपके अंतरा और अंतराल के प्रश्न होंगे। काव्यांश पर आधारित दिए गए 5 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ठीक है, इस पर आपके 5 प्रश्न दिए होंगे जो आपको उनमें से सही उत्तर चुनना है। मुरली तव गोपाल ही भवती सुन रही सखी जदपि नंद, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, मैं अपने बच्चों को ये करा चुकी हूँ। ये हमारे सूरदास के पद जो है उनमें से लिया गया है, तो आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए इस पद को अच्छे से। ये श्री कृष्ण की मुरली की जो गोपियाँ हैं वो बुराइयाँ कर रही हैं, उन्हें मुरली से कितनी चढ़ है। चलिए इसे आप पढ़ लीजिए अपनी स्क्रीन पर, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 42, प्रस्तुत काव्यांश किस भाषा में लिखा गया है? तो ये काव्यांश क्योंकि सूरदास के पद से लिया गया है, तो आप बच्चों ज़रूर ध्यान रखें कि सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो आप इस प्रश्न को तो अवश्य ही याद रखें, बल्कि आपकी टर्म वन में जितने काव्यांश आ रहे हैं, काव्यखंड में जितने भी लेखक हैं, आप सब उनकी भाषाओं को ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 43, प्रस्तुत काव्यांश में गोपियों की किस भावना का चित्रण किया गया है? तो मुरली के प्रति सोतिया डहा है उन्हें, डहा यानी जलन। सेज पर कृष्ण के अधर रूपी शैया पर कौन विराजमान है? तो ये मुरली विराजमान है, आप जानते ही हैं इसको। 45 पर चलेंगे, कर पल्लव में कौन सा अलंकार है? ये है आपका रूपक। 46, कनौड़े शब्द का क्या अर्थ है? कनौड़े शब्द का अर्थ है दास। इसमें एक पद आया हुआ है कनौड़े यानी दास, यानी कि जो मुरली है उसने श्री कृष्ण को अपना दास बना रखा है। अब आ गया है आपका गद्यांश। गद्यांश भी आप देखते ही समझ जाएंगे कि कौन से पाठ से लिया गया है, अगर आपने अपनी पुस्तक को पढ़ा है तो स्क्रीन पर है आपके गद्यांश, आप इसे पढ़ते चलें। जो गद्यांश है वो लिया गया है दोपहर का भोजन पाठ से। चलिए इसके प्रश्न करते हैं, बहुत ही आसान है ये। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? मैं जब भी अपनी कक्षा में पढ़ाती हूँ, मैं अपने बच्चों से हमेशा कहती हूँ, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे भी कहती हूँ कि आप जो भी काव्यांश पढ़ें या जो भी गद्यांश पढ़ें, आप उसके लेखक का नाम ज़रूर याद रखें, साथ ही साथ उस लेखक की भाषा, नाम, दो चार चीज़ें आप अपने लेखक के बारे में ज़रूर याद करें। गद्यांश की, तो प्रस्तुत गद्यांश जो हमारा है दोपहर के भोजन, इसके लेखक कौन है? अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 48, पागल नहीं वह बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है, सिद्धेश्वरी का यह कथन किसके लिए है? तो ये उसका कथन है अपने बड़े बेटे रामचंद्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे, स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा प्रश्न हम एक साथ देख पाएँ। ओके, सिद्धेश्वरी का उपरोक्त कथन किस बात का सूचक है, यानी कि जो ऊपर उसने बात कही है अपने बड़े बेटे के लिए वो किस बात की सूचक है? तो ये बच्चों आपकी सूचक है भूख एवं अभाव के कठिन दौर में परिवार को जोड़े रखने का सिद्धेश्वरी का प्रयास। ये इस पाठ का संदेश भी है कि अगर आप गरीबी में भी हैं, परेशानी में भी हैं, तब भी आप हमेशा अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार को जोड़े रखें। अगले प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, अब हम स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का अंश है? कितना आसान प्रश्न है ये, दोपहर का भोजन। प्रमोद कौन है, अब आपको ये बताना है। तो प्रमोद जो है वो है सिद्धेश्वरी का सबसे छोटा लड़का,
जो कि 6 साल का है और जो बीमार है और अक्सर खाट पर ही लेटा रहता है। चलिए अब आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर ध्यान से देखें, 6 प्रश्न हैं और आपको कोई 4 के उत्तर देने हैं, राइट। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कोई 4 ही करने हैं। टॉर्च बेचने वाला किस कंपनी की टॉर्च बेचा करता था? तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ये था आपका सूरत छाप। टॉर्च दोपहर का भोजन कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो ये है आपका ग ऑप्शन, यानी कि बेरोजगारी से जूझ रहे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की व्यथा है ये जो। अरे 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 अरे, हमारी तो स्क्रीन ही लग गई, कोई बात नहीं, हम वापस चले जाएंगे अपने स्क्रीन पर, अपने प्रश्न पर। हम अपने प्रश्न को ऐसे खोने नहीं देंगे। मिल गया क्वेश्चन नंबर 54, हामिद को ईदगाह जाने के लिए कुल कितने पैसे मिले थे? तो इसका सही आंसर है आपका घ, 3 पैसे। अरे 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 अरे, फिर से हिल गई, कोई बात नहीं, हम फिर से अपने प्रश्न को वापस पकड़ लेंगे। मिल गया क्वेश्चन नंबर 55, कबीर की अन्न ना भाने नींद ना आने का क्या कारण है? ये भी आसान प्रश्न है, परमात्मा से वियोग। ये आपके कबीर के पद से लिया गया है, जो उनका दूसरा पद है, बालम आवो हमारे गहरे, ये प्रश्न वहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, खेलन में को काकू गुसैया पद में किसका स्वाभाविक चित्रण किया गया है? चतुराई का, राजनीति का, बाल मनोविज्ञान का, शत्रुता का? ये है आपका बाल मनोविज्ञान का, क्योंकि इसमें बच्चों के मन का वर्णन है, उनके मन में किस तरह के भाव उठते हैं, बाल मन का विवरण है, इसलिए ये बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है। श्याम रंग में कौन सा अलंकार है? ये है आपका श्लेष अलंकार। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब इसमें भी आप इंस्ट्रक्शंस को, अपने निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। 5 प्रश्न हैं, आपको कोई 3 के उत्तर देने हैं। ये आ गई है आपकी पाठ्य पुस्तक अंतराल, इसमें सभी कहानियां आपकी बहुत मज़ेदार हैं। अंडे के छिलके पाठ की विधा क्या है? क्या विधा है? ये एक एकांकी है। आपके अध्यापक ने, आपके टीचर ने आपको पढ़ाते समय ज़रूर बताया होगा कि ये मोहन राकेश जी का एक एकांकी है, राइट। 59 पर चलेंगे, राधा कौन सा उपन्यास पढ़ती है? चंद्रकांता संतति। बीना शाम के लिए क्या बनाती है? तो अंडे का हलवा। राधा को गोपाल का कौन सा रहस्य पता था? क्या पता था राधा को गोपाल के बारे में? कि वो धूम्रपान करता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में बीना के चरित्र की क्या विशेषता है? सुशिक्षित है, स्वच्छता प्रिय है, आधुनिक विचारों वाली है और उपरोक्त सभी, क्योंकि बीना के बारे में ये सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, ये आपकी वाकई में मदद करेगा आपके होने वाले हिंदी भाषा के एग्ज़ाम में। इससे आप ना सिर्फ पैटर्न को समझ पाएंगे बल्कि अपनी तैयारी को भी जांच पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है अपने पेपर की दृष्टि से, तो आप इसे अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से, अपने साथियों से ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स के लिए, आंसर कीज़ के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, आप आपके अपने चैनल अनमिट शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।